हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी फूड विला। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ्ड पनीर पकोड़ा, जो बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत ही चटपटा है। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम होममेड पनीर, 150 ml कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा धनिया पत्ता, आधा कटोरा बेसन, 3 चम्मच टोमेटो सॉस। मसाले में मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो चलिए पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पनीर लेंगे और इसे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने यहाँ होममेड पनीर यूज किया है, आप पनीर मार्केट से भी ले सकते हैं। पनीर को ज़्यादा पतला नहीं काटना है, इसे मोटे टुकड़ों में काटना है, कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और अपना कमेंट और सजेशन देना ना भूलें। इस तरह से मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं, अब इन्हें भी बीच से कट करके एक साथ रखेंगे इस तरह से। इस तरह से सभी टुकड़ों को काट लेंगे और चलिए अब बेसन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने जो भी मसाले लिए हैं सभी को बेसन में डालेंगे। धनिया पत्ता जिसे महीन टुकड़ों में काट लिया है वो भी डालेंगे और अब इसमें 3 से 4 छोटी चम्मच पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने यहाँ सिर्फ बेसन का इस्तेमाल किया है पेस्ट बनाने के लिए। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच राइस फ्लावर भी डाल सकते हैं, उससे पकौड़े और भी अच्छे बनेंगे। इस तरह से पेस्ट को स्मूथली तैयार कर लिया है मैंने। ये बहुत ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो पनीर पर चिपकेंगे नहीं। और मैंने जो टुकड़ा काटा था पनीर का, उसके एक भाग में सॉस लगाऊंगी। मैंने यहाँ टोमेटो सॉस का इस्तेमाल किया है जो एक मीठा फ्लेवर देगा। आप चाहें तो कोई भी चटनी इसमें या फिर सॉस डाल सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले सेजवान सॉस बताया था, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसको भी इसमें डालकर आप पकौड़ा बना सकते हैं, जैसे मैंने टोमेटो सॉस डाला है उस तरह से। और इस तरह से सभी पनीर को तैयार कर लेंगे। यह पकौड़ा में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, हल्का हल्का मीठा। इस तरह से सभी टुकड़े तैयार हो गए हैं और अब हम चेक कर लेंगे कि तेल जो मैंने चढ़ाया था वो अच्छे से गर्म हुए कि नहीं। बेसन ऊपर तैरने लगे हैं, ये अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब हम जो पनीर का टुकड़ा तैयार किए थे उसको बेसन में डालेंगे और एक फॉक की सहायता से बेसन इसके ऊपर अच्छे से चढ़ा देंगे, इसके अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे बेसन गाढ़ा होना चाहिए। और अब हम इसे सावधानी पूर्वक तेल में डालेंगे। बेसन गाढ़ा होगा तो वो पनीर पर अच्छे से चिपकेगा और हमारा पकौड़ा और भी अच्छा बनेगा। इसी तरह से दूसरा टुकड़ा भी हम तेल में डाल लेंगे। इसी तरह से सभी टुकड़ों को डाल लेंगे और मीडियम फ्लेम में इसे हम फ्राई करेंगे। 3 मिनट के बाद कुछ इस तरह से इसका कलर हो गया है, यह ब्राउन हो गया, बहुत ही अच्छे से यह फ्राई हो रहा है। यह अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मैंने दोनों तरफ से इसे फ्राई कर लिया है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
से प्लेट में निकाल कर और जो बचे हुए टुकड़े हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से सीख गए हैं और इसे मैंने चिली सॉस के साथ ही सर्व किया है और शेजवान सॉस से मैंने इसे सजाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।